हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेयरी फार्म दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पूरा फीडिंग दिखाऊंगा कि किस तरह ये फीडिंग करते हैं अपने पशुओं की, और उसके बाद मैं आप लोगों को सभी भैंसे एक एक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, इन्होंने अपने पशुओं की फीडिंग के लिए ये बाहर की ओर 6 नांदें बनवाई हुई हैं। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं, गेहूँ का भूसा है जो कि सभी नांदों में डाला जा रहा है। और इधर यूपी साइड अधिकतर लोग गेहूं का भूसा ही फीडिंग में यूज़ करते हैं अपने पशुओं के लिए। तो आप देख पा रहे हैं, सभी भैंसों के लिए अलग अलग नांदे बनी हुई हैं। अलग अलग नांद होने का ये फ़ायदा होता है कि जो भैंस जितना दूध देती है उस हिसाब से हम उसको फीड दे पाते हैं, और एक दूसरे का वो नहीं खा पाती है। तो सभी नांदों में भूसा पड़ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि और फीडिंग में क्या दिया जाता है। ये अब आप देख सकते हैं, ये है सरसों की खल। इसको पहले 4-5 घंटे भिगो के रख दिया जाता है, उसके बाद फीडिंग में दिया जाता है। और जो चोकर होता है वो सबसे लास्ट में ये लोग देते हैं पशुओं को, जिससे जो थोड़ा बहुत पशु चारा बचा देता है, चोकर डालने के बाद वो पूरा चारा ख़त्म कर देता है। तो सभी नांदों में भूसा और खल डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया जाता है, और हाथ से उसको मिला दिया जाता है। ज़्यादा पानी नहीं मिलाते हैं, सिर्फ उतना ही पानी मिलाते हैं जिसमें खल और भूसा आपस में मिल जाए। तो ये फीडिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग को दिखा दिया है। इसी तरह सभी नांदों में ये चारा मिलाएंगे। उसके बाद मैं अब आप लोग को सभी भैंसे एक एक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस समय इनकी डेयरी पे 4 भैंसे हैं। तो दोस्तों, ये जो शुरू की आप 3 भैंसे देखेंगे, ये तीनों भैंसे इन्होंने 2018 मई में ख़रीदी थी। तो ये तीनों भैंसे पंजाब की ही हैं। इनके गांव में एक व्यापारी हैं जो कि पंजाब से भैंसे लेकर आते हैं, उन्हीं से इन्होंने ये तीनों भैंसे परचेज़ की थी। तो ये जो तीनों भैंसे हैं, ये तीनों ही इस समय ड्राई पीरियड में हैं। इसको अभी लगभग 1.5 महीना बचा है ब्याने में, और ये इस बार 4th लैक्टेशन में ब्याएगी, और लगभग 12 लीटर दूध ये ब्याने के बाद देती है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को दूसरी भैंस दिखाता हूँ। तो ये जो भैंस अब आप देख रहे हैं, ये इन तीनों भैंसों में सबसे शानदार भैंस है, और इसको भी अभी लगभग 1 महीना ब्याने में बचा हुआ है। और आप लोग इसका अडर देख सकते हैं, कितना शानदार इसने अभी से अडर बनाया है, और इसने पिछले ब्यात में 14 लीटर दूध दिया हुआ है। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी शानदार हाइट और लेंथ की ये भैंस है। पूरी काली पूंछ है इसकी लगभग, और आप पीछे से इसका अडर भी देख सकते हैं। ब्याने पे ये काफ़ी शानदार अडर बनाती है, ऐसा इन्होंने हमें बताया है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को तीसरी भैंस दिखाता हूँ। तो ये जो तीसरी भैंस है, ये इस बार 5th लैक्टेशन में ब्याएगी, और इसको भी अभी लगभग 1.5 महीना बचा है ब्याने को, और ये ब्याने के बाद 11-12 लीटर दूध देती है। तो दोस्तों, इन तीनों भैंसों की कीमत की बात करूं तो इन तीनों भैंसों को इन्होंने 2,78,000 रुपये में परचेज़ किया था। तो दोस्तों, ये तीनों भैंसें मैंने आप लोग को दिखा दी हैं। अभी मैं आप लोग को एक भैंस और दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक मेल काफ दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी उम्र लगभग 15 महीने के आसपास की है, और ये इनकी घर की भैंस है, उसी का ये मेल काफ है पिछले ब्यात का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 15 महीने में ये काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को इसकी माँ दिखाता हूँ। तो ये जो भैंस आप देख रहे हैं, इसी का वो मेल काफ है, ये भैंस इनके घर की ही है। तो दोस्तों, ये आप भैंस देख पा रहे हैं, ये इस बार 4th लैक्टेशन में ब्याएगी। अभी इसको 3 महीने ब्याने को बचे हैं, और अभी भी ये 3-4 लीटर दूध देती है, और ऐसा इन्होंने बताया है कि ब्याने पे ये लगभग 12 लीटर दूध देती है। और आप देख सकते हैं, इसका अडर भी काफ़ी शानदार है, इसके थोड़े सींग बड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, पीछे से भी आप इसका अडर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा अडर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, सभी भैंसें मैंने आप लोग को दिखा दी है, और सभी भैंसों के बारे में भी आप लोग को बता दिया है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, सभी भैंसें नांद पे बांध दी गई हैं, और सभी आराम से अपना अपना चारा खा रही हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिल्किंग का वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि इनकी 3 भैंसें लगभग ड्राई पीरियड में चल रही हैं, और सिर्फ एक भैंस ही दूध दे रही है इस समय। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में हमें बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगा हुआ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, उससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, और आप वीडियो को देख पाएंगे।
तो दोस्तों जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।